नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। भारत चीन के बीच 14 घंटे तक हुई सैन्य वार्ता, तनाव कम करने पर हुई बात। सचिन पायलट के समर्थन में इस्तीफों की झड़ी, कई शहरों में अलर्ट पर पुलिस। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में मैंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की है, सत्ता में आने के बाद गहलोत ने कुछ नहीं दिया। देहरादून में इमारत गिरी, 3 शव निकाले गए, राहत और बचाव कार्य जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाल में कोई बातचीत नहीं हुई, आगे भी कोई प्लान नहीं। 17 जुलाई को पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र में संबोधन, यूएन की 75वीं सालगिरह पर करेंगे संबोधित। मुंबई के चर्च गेट इलाके में स्थित मेकर भवन में लगी आग, दमकल की गाड़ी पहुंचे। अमेरिका ने कहा कि टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन पर बैन लगाकर भारत जैसे देशों ने चीन की निगरानी रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, आवर्जन आदेश पर करूंगा हस्ताक्षर, ड्रीमर्स को मिलेगी नागरिकता। कोरोना वायरस संकट के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटन फिर से खोलने की इजाजत दी। मिस्र की राजधानी काहिरा में पाइपलाइन में लगी आग, 17 लोग झुलसे। अमेरिका ने खत्म किया हांगकांग का प्रेफरेंशियल ट्रेड का दर्जा, ट्रंप ने कानून में किए दस्तखत। दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका के बयान से भड़का चीन, लगाया शांति भंग करने का आरोप। ईरान ने चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट से भारत को किया दरकिनार, अकेले करेगा निर्माण। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर, 93 नए मामले सामने आए। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में केरल के सीएम पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव से 8 घंटे तक चली पूछताछ। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों को वीजा देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द किया। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में 1524 नए केस मिले, 10 संक्रमितों की मौत। दिलजीत दोसांझ की सुरमा पर बनेगा सीक्वल, दिखेगी संदीप सिंह की सियासी पारी। अमिताभ ने डॉक्टर्स का किया शुक्रिया, बताया ईश्वर रूपी देवता। एरिका की कोरोना रिजल्ट पर फैली अफवाह, एक्ट्रेस बोली कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। मोंटी पनेसर बोले कि ब्रिटेन में अश्वेतों को अधिक नस्लवाद झेलना पड़ता है। राहुल जौहरी की जगह BCCI ने हेमांग अमीन को बनाया अंतरिम CEO। अमेरिका के बाद अब ब्राजील में पुलिस की बेरहमी, साओ पाउलो में अश्वेत महिला के गर्दन पर खड़ा हो गया अफसर। अमेरिका में खेल शुरू होने के बाद बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले।